क्या आप जानते हैं आप क्या करते हो कैसे करते हो डिपेंड करता है कि आप उस काम के बारे में क्या सोचते हो क्या थॉट्स रखते हो जी हाँ आपके थॉट्स इम्पैक्ट करते हैं आपके एक्शंस को और एक्शंस इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ की कॉन्सिक्वेंसेस को हेलो फ्रेंड्स आई एम अनामिका आयु और आज के वीडियो में बात करेंगे जिनको की कहते हैं हम बात करेंगे हाउ टू यूज आल्सो जब आप एफर्मेशन यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफिकेशन Whenever I upload my video आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाऊ और आपकी हेल्प करूं ताकि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी और मोटिवेशन की जर्नी में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सो वॉट आर एफर्मेश रिपीटेड

80% जी हाँ 80% हिस्सा इज नेगेटिव थॉट्स दैट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज इट जी हाँ दैट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी तो जब आप पॉजिटिव एफॉर्मेशन करते हैं तो आप अपने आप को नेगेटिव सोचने से हटा देते हैं क्योंकि आपके नेगेटिव सोच हट जाती है और दूसरा जो फायदा होता है जब आप पॉजिटिव सोच सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे जो है अपने आगे आने वाली चीजों को और ज्यादा पॉजिटिव बनाते हैं पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो एफर्मेशन करनी कैसे हाउ टू यूज एफर्मेश क्या करना है कि जिस तरीके से पता हो कि हम हमने ये एफर्मेशन बोलनी है ऐसे एफर्मेशन बनानी है और उसको ऐसे यूज करना है तो पांच टिप्स how to use affirmation what are those five tips tip number 1 tip number 1 is make your affirmation in the present tense so jo bhi aap affirmation bana rahe hain mande ji i am beautiful i am successful i am rich i am loved i get respect wherever i go so jo bhi aap bana rahe hain usko aap हमेशा present tense में बनाइए. i will be rich i will be loved i will do this future जो है वो कभी आता नहीं because जो आज है वही आपको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है इसलिए आपने जो है अपनी एफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में बनाना है पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर आपकी जो होनी चाहिए बड़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए बहुत क्लियर कट थोड़ी कॉम्प्लिकेशन उसमें अवॉइड कीजिए जितना हो सके कम से कम शब्दों में प्रिसाइज टू द पॉइंट अपनी एफर्मेशन बनाइए और उसको रिपीट करिए तीसरा पॉइंट जो आपको एफर्मेशन करते वक्त ध्यान रखना है वो ये है दैट तो आपको एफर्मेशन बार-बार 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 रिपीट करनी है इतनी बार रिपीट करनी है कि आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाए और आपके लिए वो जो एफर्मेशन है बार-बार ऐसा हो जाए कि मंत्र हो और आपके दिमाग में चलता ही रहे चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपनी एफर्मेशन पर बिलीव रखना है अक्सर लोग एफर्मेशन तो बनाते हैं दैट uh, जो भी उनको उनकी लाइफ में चाहिए होता है मान लीजिए आई एम रिच लेकिन वो उस चीज पे बिलीव नहीं करते उनको लगता है नो आई आई एम पुअर एंड मनी जो उनकी बिलीव सिस्टम है वो उस एफर्मेशन के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा होता है तो आपने जो भी अपनी एफर्मेशन बनाई है उसमें बिलीव करें कि आपकी एफर्मेशन ही आपके लिए सच है हो सकता है वो आज सच ना हो लेकिन अगर आप उसमें विश्वास करेंगे और उस विश्वास को रखकर आप उस पर एक्शन लेंगे तो वो आपकी एफर्मेशन एक दिन जरूर आपके लिए सच हो जाएगी सो बिलीव इन योर एफर्मेशन दैट दैट इज द ट्रूथ for you. Number five. Number five is that your affirmation should be a positive statement about you. आप affirmation को कभी भी negative statement में मत बनाइए और affirmation आपके बारे में होनी चाहिए आप अपने लिए affirm कर सकते हैं किसी और के लिए नहीं चाहे वो आपके closed ones, closed relative ही क्यों ना हो आप किसी और के लिए affirm नहीं कर सकते कि उसके साथ ऐसा हो गया या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया आप अपने लिए affirm कर सकते हैं दैट आई एम दिस आई एम दैट आई हैव दिस आई हैव दैट एंड ऑल्सो एफर्मेशन इन द पॉजिटिव सेंटेंस नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है so, तो ये पांच पॉइंट अगर आप ध्यान रखें अपनी एफर्मेशन बनाएंगे और उनको रोज रिपीट करेंगे देन यू विल सी आपकी एफर्मेशन धीरे धीरे सच्चाई की तरफ आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे आप एफर्मेशन बनाकर यूज करने से जो दो सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफर्मेशंस क्या है सबसे पहला एफर्मेशन का जो बेनिफिट है वो ये है दैट वेन यू रिपीट पॉजिटिव एफर्मेशन आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से हट जाते हैं आप उस पर विश्वास नहीं करते और आप उससे बच जाते हैं आप लाइफ में पॉजिटिव चीजों को देखते हैं आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं यू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ बिकॉज यू बिलीव इन योर एफर्मेशन विच इज नॉट द ट्रूथ फॉर यू टूडे बट इट विल बी वन डे सो यू बिकम

वो जो आपकी रियालिटी में रिफ्लेक्ट करें और जब आप एक्शन लेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको आएंगे और जब आप पॉजिटिव एफर्मेशन लेके एक्शन देंगे तो वो एक्शन भी पॉजिटिव होंगे और कंसिस्टेंट होंगे तो दूसरा जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एफर्मेशन का वो ये है कि आप एक्शन लेने लग जाते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन सी एफॉर्मेशन रिपीट करने वाले हैं या आप कौन सी एफॉर्मेशन रिपीट करते हैं या कौन सी एफॉर्मेशन रिपीट करके आपको बेनिफिट हुआ है और वो आपकी रियालिटी में रिफ्लेक्ट करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग